Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is Akriti with today's article of 13 October related to TimeSpark scholarship program. Students, I'm explaining you these articles daily and giving you explanation of these articles every day. Are you preparing these articles sincerely? Are you reading these articles sincerely? And are you watching our videos regularly? If not, then you are lagging behind those students who are preparing well for this scholarship program. They are giving their daily time because students, they know very well that in the actual exam, you will be getting only 60 minutes for the 90 questions. And definitely there will not enough time to read whole articles and answer the all questions. Students, I'm not telling you to attend to answer all the questions, because there will be negative marking in your actual exam, and I would like to advise you all, only attempt those questions about which you are 100% sure. Student, just give only 30 minutes hardly. Watch our videos and learn important vocabulary provided by us anyhow, because vocabulary will play an important role in your online actual exam, and I'm sure you will definitely score well, provided that you read these articles daily. Student, this is our initiative just to make you avoid all the confusions, mugging up all these articles in the end. So student, grab this opportunity. It's a golden chance for you all to win this scholarship program. Without any further delay, let's begin today's article with its headline, Will Rain Dance Ruin T20 Bash? स्टूडेंट, आज का जो आर्टिकल है ये एक इवेंट पर बेस्ड है. स्टूडेंट, बेसिकली जो आर्टिकल जो होते हैं, जो पैसेजेस होते हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जनरली वो हार्डली 4 या 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, नेरेटिव टाइप होता है, एक्सपोसिटरी टाइप होता है, या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, या फिर लिटरेचर बेस्ड होते हैं. स्टूडेंट, ये जो आर्टिकल है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग अ प्लेस और अ इवेंट. जब किसी प्लेस या फिर किसी इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम को लेके किसी प्लेस का डिस्कशन होता है, तो उस पैराग्राफ को हम डिस्क्रिप्टिव टाइप बोलते हैं. तो स्टूडेंट, ये आर्टिकल जो है, ये पैसेज है, एक ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पैसेज है. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. ये जो आर्टिकल है, ये जो T20 इंटरनेशनल चल रहे हैं उस पर बेस्ड है. रिसेंटली हैदराबाद में इसका जो थर्ड मैच हुआ है, ये आर्टिकल उस पर बेस्ड है. Will rain dance ruin T20 bash? Student, rain का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डैमेज कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना. स्टूडेंट, बैश का मतलब होता है कोई भी इवेंट. ये जो T20 के इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, जो कि इसका थर्ड मैच हैदराबाद में हो रहा है, वहाँ पर बहुत कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो क्या ये जो रेन डांस है, मीन्स यहाँ पे इसको सरकास्टिक वे में भी लिया गया है कि रेन डांस, ये जो रेन का जो ये खेल हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे, क्या ये जो T20 का मैच है इसको पूरी तरह से T20 के बैश को डिस्ट्रॉय कर देगा? तो उसी चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में पूछा है. सीरीज लॉक्ड 1-1, इंडिया टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन थर्ड T20 इंटरनेशनल इन हैदराबाद टुडे. स्टूडेंट, जो इससे पहले दो मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस में से एक इंडिया ने जीता है और एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो ये सीरीज लॉक्ड हो गई है. मींस अब जो थर्ड मैच है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम आगे सीरीज में जाएगी. तो ये हैदराबाद में थर्ड इवेंट हो रहा था T20 इंटरनेशनल का आज, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे रेन हो रही है, तो ये एक तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. द बिग क्वेश्चन अहेड ऑफ द डिसाइडिंग T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हेयर ऑन फ्राइडे इज वेदर द रेन गॉड्स विल बी काइंड इनफ टू फाइनली रिलेंट एंड अलाउ सम क्रिकेट. मीन्स यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, डिसाइडिंग मीन्स यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हो रहा है, इसमें हमें ये चीज डिसाइड करने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो इंद्र देवता है वो थोड़े से हमारी इस चीज़ के लिए थोड़े काइंड होंगे, मीन्स थोड़े से क्या हम पर दया करेंगे. टू फाइनली रिलेंट का मतलब है क्या वो फाइनली थोड़े कम होंगे, मीन्स क्या बारिश फाइनली थोड़ी कम होगी, या एंड अलाउ सम क्रिकेट, और हमें अलाउ करेगी कुछ क्रिकेट खेलने के लिए. इट हैज़ बीन रेनिंग इनसेसेंटली. स्टूडेंट, इनसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, मीन्स विदाउट इंटरप्शन और लगातार. तो
तो यहाँ पर जो हैदराबाद में थर्ड मैच हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। फॉर द पास्ट वीक मीन्स पिछले हफ्ते से कंटिन्यूअसली यहाँ पर बारिश हो रही है। द हेवंस हैव ओपन अप लाइक नेवर बिफोर इन द रीसेंट पास्ट, मीन्स यहाँ पर सूरज ऐसे निकला है जैसे कि यहाँ पर जो हेवंस हैव ओपन, हेवंस हैव ओपन का मतलब है दिन खुल जाना, मीन्स जब बारिश नहीं होती है और बारिश के बाद जब दिन खुलता है तो वो ऐसे खुलता है जैसे कि इससे पहले कभी, मतलब यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो। मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर द ग्राउंड स्टाफ हु हैव हैड टू बैटल हार्ड टू प्रोटेक्ट द आउटफील्ड फ्रॉम डैमेज, मीन्स ये यहाँ के सिटीजन्स के लिए ही डिफिकल्टी नहीं हो रही है, ऑल्सो फॉर ग्राउंड स्टाफ, मीन जो ग्राउंड स्टाफ है जो ग्राउंड को साफ रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डैमेज से, उनके लिए भी ये डिफ़िकल्टी हो रही है इस बारिश की वजह से। इट हैज़ बीन अ टफ टास्क फॉर क्यूरेटर YL चंद्रशेखर, मीन्स जो क्यूरेटर है जो कि यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ के मेंबर है, उनको उनका जो नाम है YL चंद्रशेखर यहाँ पर मेंशन किया है, ये उनके लिए बहुत ही टफ टास्क है। बट ही एंड हिज टीम, मीन्स उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है इन इंश्योरिंग मिनिमल डैमेज, मीन्स उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी अच्छा काम किया है जिससे काफ़ी कम डैमेज हुआ है, बारिश से कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। द पिच इज एज गुड एज एवर, पिच उतनी ही सही है, उतनी ही अच्छी है जैसे कि पहले होती थी, बट देर आर अ कपल ऑफ वेट स्पॉट्स इन द आउटफील्ड टूवर्ड्स द ईस्ट एंड ऑफ द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड के ईस्ट साइड में कुछ वेट स्पॉट्स हैं, कुछ मीन्स जो टीम, जो ये पिच है यहाँ की जो क्यूरेटर है और उनकी जो टीम है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि जो पिच है वो अभी भी ऐसी ही अच्छी है जैसे कि पहले हुआ करती थी, बट इंस्टेड ऑफ यहाँ पर कुछ गीले, यहाँ पर गीले स्पॉट्स हैं, मीन्स देर आर सम वेट स्पॉट्स। देर विल नॉट मच चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द विकेट, मीन्स विकेट के कैरेक्टर में कुछ चेंज नहीं आएगा एंड इट विल स्टेज ट्रू फॉर द एंटायर पीरियड, मीन्स और ये पूरे एंटायर पीरियड के लिए सही रहेगा। देर आर टू वेट पैचेस, यहाँ पर सिर्फ दो वेट पैचेस हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन देम, जो यहाँ की टीम है जो कि स्टाफ है वो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो पैचेस हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं। वी हैव यूज्ड अ कपल ऑफ फैंस टू स्पीड अप द ड्राइंग प्रोसेस, मीन्स जो पिच को ड्राई करने का प्रोसेस होता है उसमें यहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने कुछ फैंस की मदद ली है अपने ड्राइंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर, बट ये पूरी तरह से वेदर पर डिपेंड है। वी हैव आवर फिंगर क्रॉस्ड, मीन्स वी हैव आवर फिंगर क्रॉस्ड, मीन्स हम ऐसा ऐसा इमेजिन करते हैं कि आगे बारिश ना हो, अगर आगे मीन्स आज की रात या फिर कल बारिश नहीं होती है, ऐसा चंद्रशेखर बोलते हैं जो कि यहाँ के ग्राउंड स्टाफ, यहाँ के क्यूरेटर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। ऑन द ईव ऑफ द गेम, मीन्स गेम की रात को, गेम की शाम को उन्होंने ऐसा बोला है कि ये पूरी तरह से वेदर पर डिपेंड करता है और हम फिंगर क्रॉस करते हैं कि होप सो आज या फिर कल बारिश ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो इफ़ इट डज नॉट रेन टुडे, बट जैस अगर आज या फिर कल बारिश नहीं होती है, वी विल हैव अ फुल गेम, मीन्स हम यहाँ पर पूरा गेम खेला जाएगा। टू द डिलाइट ऑफ द स्टाफ एंड प्लेयर्स, मीन्स जो यहाँ के स्टाफ है और जो प्लेयर्स हैं उनकी खुशी के लिए, द सन वॉज आउट, मीन्स जो यहाँ पे दिन खुला था, जो बारिश के बाद दिन खुलता है यहाँ पर ऑन थर्सडे, मीन्स यहाँ पे कल की बात की गई है, कल दिन जो खुला था और इट टर्न आउट टू बी अ हॉट डे, मीन्स जो कल का दिन था वो बहुत ही गर्म था, बट क्या हुआ अचानक से, सम डार्क क्लाउड्स, जो काले बादल थे वो गैदर्ड ऑन द होरिजन, मीन्स वो जो होरिजन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जो एरिया होता है, जो पर्टिकुलरली फोकसिंग एरिया होता है, मीन्स यहाँ पे हैदराबाद की बात की गई है, तो जो बहुत सारे इतना गर्म दिन होने के बाद भी कुछ जो काले बादल थे वो दिखाई देने लगे, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो प्रिडिक्ट करती है कि रेन होगी और मौसम कैसा होगा, उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी। एंड दैट इज़ नॉट म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ 30,000 ऑड फैंस हु होप टू सी देयर स्टार्स इन एक्शंस, बट ये उन फैंस के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ये उन फैंस के कानों के लिए एक तरह का म्यूजिक नहीं होगा, मीन्स जो बारिश की आवाज़ होगी वो नहीं चाहते हैं कि बारिश हो, बिकॉज वो इस होप से आए हैं कि वो अपने स्टार्स, अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको पिच पर, उन पर ग्राउंड पर खेलते हुए देख सके, उनको जीतते हुए देख सके।
द इंडियंस वर एम्बश्ड। स्टूडेंट एम्बश का मतलब क्या होता है कि जब किसी तरह से मतलब कोई अटैक करता है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडियन टीम पर अटैक किया था जिसकी वजह से जो इंडियन टीम थी वो काफ़ी अपसेट थी। तो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म स्पीड स्टेटर हैं वो है जेसन बेहरेनड्रॉफ। स्टूडेंट यहाँ पे इनका नाम मेंशन किया है। प्रीवियस गेम में उन्होंने इंडिया को काफ़ी अपसेट किया था और इंडिया पे काफ़ी अटैक किया था। द टॉप ऑर्डर स्वंग एंड डांस टू द ट्यून ऑफ ऑर्डर ऑस्ट्रेलियन बॉलर। मीन जो पिछला गेम था वो कुछ ऐसा था कि टॉप ऑर्डर स्वंग। स्टूडेंट स्विंग का मतलब होता है मूव बैक एंड फोर्थ, मीन यहाँ से इधर उधर जाना। मीन्स जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं उनकी ट्यून पर नाच रहे थे इंडियंस। मीन्स ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने काफ़ी अच्छा खेला था और इंडियंस काफ़ी अपसेट थे इस चीज़ को लेकर, बिकॉज वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे उनकी बॉलिंग के कारण। हु यूज द कंडीशंस वेल टू ब्रिंग हिज साइड बैक इनटू द सीरीज। मीन्स ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं यहाँ पे इन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पीड सेटर का नाम लिया है जेसन बेहरेनड्रॉफ। उन्होंने इतना अच्छा खेला है, उन्होंने ऐसी कंडीशन को यूज़ किया है, इतनी अच्छी कंडीशन को यूज़ किया जिससे वो अपनी टीम को दोबारा से सीरीज में ला सके। बिकॉज इससे पहले जो मैच हुआ था वो इंडिया ने एक जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने एक जीता है, और जो थर्ड मैच में जीत जाती है वो सीरीज में दोबारा से आ जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने इतना अच्छा खेला है। विथ साइड्स लॉक्ड 1-1 देर इज एवरी डे टू प्ले फॉर इन द डिसाइडर। मीन्स जो लास्ट मैचेस हुए थे उसमें जो सीरीज हुई थी वो लॉक हुई थी 1-1 पर। स्किपर विराट कोहली ने ऐसा कहा है और उनकी टीम ने ऐसा कहा है, विल बी कीन टू प्रूव दैट द गुवाहाटी शो वॉज जस्ट एन एब्रेशन। मीन्स जो गुवाहाटी में मैच हुआ था, इससे जो प्रीवियस मैच हुआ था वो एक तरह की गलती थी जिसमें इंडियन हार गए थे, तो वो इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि वो आगे अच्छा खेलेंगे। शिखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली विल लव टू गिव इट बैक टू द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स स्पेशली बेहरेनड्रॉफ। स्टूडेंट जो शिखर धवन हैं, रोहित शर्मा एंड कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली विल लव टू गिव इट बैक टू द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स स्पेशली बेहरेनड्रॉफ। स्टूडेंट जो तीन प्लेयर्स हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि मीन्स उन्हें अच्छा लगेगा कि वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर जैसे कि बेहरेनड्रॉफ स्पेशली इनको वो अच्छा खेल के दिखाएं और उनके खिलाफ मीन्स बहुत अच्छा प्रदर्शन करें अपने इस ग्राउंड में। मीन्स वो दिखाना चाहते हैं, वो प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि वो अगर लास्ट मैच में हारे हैं तो वो इस मैच में अच्छा खेलेंगे। द इंडियन बॉलर्स हैव डन वेल इन द सीरीज। मीन्स जो इंडियन बॉलर्स हैं उन्होंने अपनी सीरीज में काफ़ी अच्छा खेला है। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द टीम मैनेजमेंट गिव्स लेफ्ट आर्म आशीष नेहरा। मीन्स अभी यह देखने के लिए बाकी है कि जो टीम मैनेजमेंट ने आशीष नेहरा को चांस दिया है खेलने का, जिसने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, वो रिटायर होने जा रहे थे फ्रॉम द गेम आफ्टर द T20 इंटरनेशनल ऑन November 1। मीन्स उनको जो उन्होंने चांस दिया है इस सीरीज में खेलने का, तो वो ये देखना अभी बाकी है कि ये जो चांस दिया है ये क्या फ्रूटफुल होगा, क्या ये हमारे लिए, ये इंडियन टीम के लिए सही साबित होगा। द विजिटर्स हु वर थ्रैश्ड। स्टूडेंट थ्रैश्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मीन्स मूव वायलेंटली, मीन्स किसी चीज़ को अगर देखने का अगर आपको क्रेज़ होता है तो आप उस जगह पे मीन्स इन बल्क में जाते हैं। तो यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वो क्रिकेट को देखने के लिए, अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के लिए इन द प्रिसीडिंग ODI सीरीज, मीन्स वो वहाँ पर जो इससे पहले ODI सीरीज हुई थी उसमें काफ़ी सारे जो विजिटर्स थे वो देखने के लिए गए थे। बेसिकली थ्रैश का मतलब होता है हिट या फिर मूव इन अ वायलेंट और कन्वल्सिव वे, मीन्स भारी मात्रा में। जो विजिटर्स थे वो इससे जो प्रीवियस ODI सीरीज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए थे देखने के लिए, और उन विजिटर्स के लिए जो ये वाली सीरीज है ये गोल्डन चांस है, हैव अ गोल्डन चांस टू लीव दी शोर्स विद अ सीरीज विन। मीन्स वो उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इस ग्राउंड को, इस शोर्स को, अपनी सीरीज को विन होते हुए देखते हुए छोड़ना चाहते हैं। मीन्स वो यहाँ से तभी जाना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है कि जो उनकी टीम है, जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको वो जीतते हुए देख सके। दिस ऑस्ट्रेलियन साइड मे नॉट बी इन द सेम क्लास ऑफ प्रीवियस वन। मीन्स ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन साइड का मतलब है ऑस्ट्रेलियन टीम, ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है जरूरी नहीं है कि जैसे पहले इसने खेला है उसी तरीके से वो अब खेलेगी, बिकॉज बट इट स्टिल हैव क्वालिटी प्लेयर्स।
बट उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं। हैदराबाद हैज़ बीन होम टू स्किपर डेविड वॉर्नर। स्टूडेंट जो डेविड वॉर्नर हैं वो सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन और स्किपर हैं, तो उनके लिए जो हैदराबाद है एक घर के तरीके का है। मीन्स वो जानते हैं हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ। ही नोज द विकेट एंड द कंडीशंस हियर। मीन्स यहाँ के विकेट और यहाँ की कंडीशंस के बारे में जानते हैं लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। स्टूडेंट बैक ऑफ हिज हैंड यहाँ पे idiom का यूज़ किया गया है। बैक ऑफ हिज हैंड का मतलब होता है टू नो समवन और समथिंग वेरी वेल। जब आप किसी चीज़ के बारे में सब कुछ या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो उसके लिए एक idiom यूज़ किया जाता है, नो लाइक द बैक ऑफ हैंड। तो जो यहाँ पे डेविड वॉर्नर है वो हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। द एग्रेसिव ओपनर हैज़ प्लेड अ की रोल फॉर सनराइजर हैदराबाद इन द IPL इन द लास्ट फ्यू सीजन्स। मीन्स ये जो डेविड वॉर्नर है इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है हैदराबाद टीम के लिए IPL में पिछले काफ़ी सीजन्स में। एंड विल बी ईगर टू यूज़ ऑल दैट नॉलेज। मीन्स जो भी इनके पास नॉलेज है ये इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है, ईगर है इस नॉलेज को यूज़ करने के लिए। ईगर का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली वॉन्टेड टू डू, और मीन्स अगर किसी चीज़ को करने के लिए आप एंथुजियास्टिक होते हैं। तो जो डेविड वॉर्नर है ये ईगर है, एक्साइटेड है अपनी उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए। फॉर वन लास्ट हुर्रा। स्टूडेंट वन लास्ट हुर्रा तब होता है जब कोई टीम जीत जाती है तो वो हुर्रा करते हैं। तो मीन्स ये जो डेविड वॉर्नर है वो बेसिकली वो जीतना चाहते हैं इस सीरीज़ में, इस मैच में, और वो एक्साइटेड है इस मैच को जीतने के लिए। इंडियंस दो विल हैव समथिंग टू से अबाउट। मीन्स इंडियंस के पास भी बहुत कुछ होगा कहने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये पिच की इमेज दी हुई है, ग्राउंड की इमेज दी हुई है, और वहाँ का वेदर बताया गया है कि वेदर क्या है 20 अक्टूबर की। मीन्स उन्होंने जो भी एक्सपेक्ट किया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वो सब डाटा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। स्टूडेंट आपके ऑनलाइन एग्जाम परस्पेक्टिव के बेसिस पर ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पिक्चर, दे आर गोइंग टू आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। सो स्टूडेंट इस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे नोट पैड में मैंशन किए हुए हैं। आप प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बिकॉज 40% जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में वो आपके वोकैबलरी से ही पूछे जाएंगे। स्टूडेंट जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेजेस से उनका आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बिकॉज वो अगर पूछे जाते हैं या तो फिर वो ऐसे पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सी ट्रू है, या फिर कौन सी इन्फ्रेंस कर सकते हैं हम। मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है वोकैबलरी में। अगर आप इन वोकैबलरी से इस पैसेज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है अगर आप इनके मीनिंग्स को देखकर चले जाएंगे, इनके सिनोनिम्स को देखकर जाएंगे तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे इस आर्टिकल रिलेटेड पैसेज में। स्टूडेंट सो गुड लक, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।